सुंदरगढ़ गस्तरे जाइथिबा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आजि राउरकेला रे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे नुआ स्मार्ट कार्ड बंटन शुभारंभ करछंती। यास सुंदरगढ़ जिल्लार हिताधिकारी को विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रा स्मार्ट कार्ड बंटन करछंती। आईजेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सम्मेलनी कक्ष रे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्य अतिथि भाव रे जोगदे कार्ड बंटन शुभारंभ करछंती। एहासह जिलार किछि उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण करिछन्ति मुख्यमंत्री। प्राय 600 कोटीर विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करिछन्ति मुख्यमंत्री। सुंदरगढ़कु नुआ परिचय देइछन्ति नवीन बोली स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहिछन्ति। विभिन्न विकासमूलक कार्य करि सुंदरगढ़कु विकास पथरे आगे नेइछन्ति। एपरिकि साधारण लोकंकु स्वास्थ्य सेवा जोगाइ देबाकु नवीन विजु स्वास्थ्य कार्ड योजना आनिछन्ति। एहाद्वारा गरीब लोकमाने मध्ये चिकित्सित होइपारिबे आउ एभलि करि गरीब लोकंक चिन्ताकु दूर करिछन्ति नवीन बोली स्वास्थ्य मंत्री कहिछन्ति। सुंदरगढ़ जिलार मोट 4,37,333 राशन कार्डधारी विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड बंटन कार्ड्रु जिलार मोट 15,09,631 लोके मागणा स्वास्थ्य सेवा पाइपर। राउरकेला मोट 68,575 राशन कार्डधारी विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड मिल। बन्या स्थिति नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना सूचना देखते दुई दिन वर्षार राज्य में हाराहारी 156 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड करा जाई छी। एसआरसी सूचना देखते तेज बौद्ध जिले में सर्वाधिक 362 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होता बेले नवरंगपुर जिले में सर्वनिम्न वर्षा रेकर्ड होती। पुरी में 360 मिलीमिटर, जगत सिंहपुर 355 मिलीमिटर, सुवर्णपुर 295 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होता सूचना देखते। गतकाली सुधा तीन जणंकर मृत्यु होता बेले आज आउ जणंकर जीवन जाइथिबा सूचना। जोंठी पानी जमिछि सेठी चाष क्षयति होइछि एने कृषि विभाग को रिपोर्ट देबाकु निर्देश दिया जाइछि बोली से सूचना देइछन्ते। अनपडे समस्त विभाग मानंकु दुई सप्ताह मध्ये क्षयति रिपोर्ट देबाकु निर्देश दिया जाइछि। बंगोपसागर में सृष्टि होता गभीर अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि। गत 6 घंटा मध्य यह 12 किलोमीटर वेगरे आगकु बढ़ुछि। वर्तमान यह झारसुगुड़ 80 और संबलपुर 85 किलोमीटर दूर से अवस्थित रही। अवपतार रूप नहीं आसंता 48 घंटा मध्य यह छत्तीसगढ़ उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश छुईब बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देछि। आज आभ्यंतरीण और पश्चिम ओडिशा समेत महानदी उपरमुंड तथा छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। विशेषकर बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज और केन्दुझर प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार आकलन करा। तबे 14 जिला को येलो वार्निंग जारी करा। गत 24 घंटा मध्य तालचेर सर्वाधिक 394 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होती। यापर सोनपुर और बौद्ध जिले में सर्वाधिक 372 और 262 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होती। लगाण वर्षा जो नहीं असुविधार सम्मुखीन होती कटक बासिंदा। तेज गतकाली रातिर वर्षा कमिबा परे सामान्य आश्वस्ति मिली हेले एबे भी किछि किछि स्थानरे वर्षा पानी जमि रहितबारु जलबंदी स्थिति उपजिछि। किछि लोकंक घरे एबे भी पानी जमि रहिछि। महानगर निगम पक्षरु जल निष्कासन पई 150 रु अधिक मोटर पंप लगा जाइछि। ढेंकानाल 55 नंबर जातीय राजपथ मसाणिया ठारु बीआरजी छक मध्ये रास्ता उपरे 3 फुट रो पानी लहड़ी मारुथबा बेले गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। ढेंकानाल अनुगुल मध्ये जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। ढेंकानाल सापुआ नदी में बन्या जल और औखमा ब्रिज उपरे बन्या जल प्रवाहित होइछि। पुराना कटक संबलपुर रास्ते गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। गोविंद प्रसाद ग्राम बाह्य जगतरु विच्छिन्न होइछि। भंडारीपोखरी ब्लॉक अंचल में 3 दिन धरी लघुचाप जनित वर्षा कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। विशेषकर खालुआ अंचल में बसवास करुवा लोके जलबंदी में रही बेले केतेक स्थान लोकों घर पा पशि। भंडारीपोखरी बजार दे जा ना कूल लंखा कारण थाना सामना पंचायत मार्केट कम्प्लेक्स गृह में पा पशि जमापड़ जितिय राजपथ प्रशस्तकरण कार्यपाई निर्माणकारी संस्था बसस्टाण पालदाबा जाए ना अधिक पोति। लगाण वर्षा होवार सुदूर मंजिरी रोड हाटोडी ठारु आसुवा पा नाड़ निष्कासन होगा कष्टकर होपरी। सरसदा पंचायत पीरपुर 60 परिवार वर्षा कारण जलबंदी घेर अच्छा पार्श्वे एक स्कूल जलबंदी अवस्था रही। लोकने दैनिक कार्यपाई मुख्य रास्ता को आसवा कष्टकर हो पड़ता बेले वर्षा लग रही कारण से बाह्य जगतर विच्छिन्न होती। मोटामोटी भाव में लघुचाप जनित वर्षा विपात ब्लक विभिन्न अंचल देखा मिली।
लगाण वर्षा जो भद्रक आखुआपदा आनिकोट में विपद संकेत टपिला बैतरणी आखुआपदा आनिकोट विपद संकेत 17.83 मीटर रही बेले एवं यार जलस्तर संकेत पार कर सारी प्रबल वर्षा जारी रहा जो तलिया अंचल वर्षा पा जमि रही लगाण वर्षे आठगड़ किसी अंचल स्थित बेहाल रही आठगड़ ब्लक गोपीनाथपुर कंटिया नदी अत्यधिक पा आसवा फल नई विभिन्न स्थान में उछुड़ा जो तरंगिया बैलो दुईट गांव बाह्य जगत विच्छिन्न रही शहश एकर चाष जमी जलमग्न हो बैलो नुआ गां सरसवाही रास्ता उपर चारे फुट बनाजल तरंगी डिंगा जोरंदा को संजोग करतपा गड़ा उपर चारे फुट बनाजल प्रवाहित जो संपूर्ण जोजोग विच्छिन्न हो गांवगुड़े किसी घरे बन्या पानी पशिवा जो लोकने के छात उपरे तो के उच्च जगह देखि आश्रय नहीं पुराणा कटक संबलपुर रास्तार दहीसरा माधवपुर चारि फुट सहित निधिपुर गड़े चारि फुट्र बनाजल प्रवाहित जो यातायात संपूर्ण ठप हो आठगड़ ब्लक इच्छापुर गांव निकट में सापुआ नदी में घाई होगा फल इच्छापुर गांव समेत माटिकोट गुड़ुपड़ा गांव भितर पा पशि बेलू बेल नई में पा बढ़ुव लोके आतंकित अवस्था अच्छा जदि एभली वर्षा लगि रहे तेज स्थित आहरी संगीन हो केन्दुझर जिला आनंदपुर बैतरणी नदी जलस्तर सतर्क सूचना तले प्रवाहित होती नदी जलस्तर क्रमगत भाव में वृद्धि पाता कारण जलस्तर जेको मुहूर्त में सतर्क सूचना पार होगा आशंका रही है। नदी सतर्क सूचना 37.445 मीटर रही बेल विपद संकेत हो 38.360 मीटर सका 7 सुधा नदी जलस्तर 36.660 मीटर रही कोणार्क अंचल में तीन दिन धरी लगाण वर्षा जारी रही लगाण वर्षा जो गोप काकटपुर अंचल बेहाल हो पड़ी गोप ब्लक बीतिरुंग पंचायत तलिया अंचल चेंगेलई फकीरपड़ा बेलापोखरी आदि गांव संपूर्ण जलबंदी हो पड़ी वर्षा जल लोकों घर भितर लहड़ी भांगुच दुई दिन धरी लोकने भोक उपास दिन काटुंट सेपटे काकटपुर करुजंग अवधान पंचायत यहपरी असुविधा लगि रही नुआ गां मूसापदा कुरुजंग अनेक गांव में 4 फुट वर्षा जल प्रवाहित होती लोके घर छाड़ी विद्यालय आश्रय ढेंगानाल कामाख्या नगर लगाण वर्षा जो धोईगला आप्रोच रोड और केनाल रास्ता 53 नंबर जातीय राजपथ सियारी माड़िया आप्रोच रोड में 40 फुट घाई होता बेले केनाल रास्ते 50 फुट घाई सृष्टि उभय पार्श्वर अटकी शहश गाड़ी अनुगुल कामाख्या नगर यातायात बाधाप्राप्त हो प्रबल वर्षा लागि रहिथिबारु बलांगीर जिले में आज समस्त स्कूल को छुट्टी घोषणा करा जाय छि स्कूल बंद रखा जिलापाल चंचल राणा निर्देश देइछन्ति लगाण वर्षा जो बलांगीर सहर अवस्था बेहाल हो पड़ी सहर तली अंचल लोके जलबंदी अवस्था अच्छा घर भितर वर्षा पा पशि सहर से एवं भी वर्षा जारी रही गत राति बन्या परिस्थिति बुली देखिथिले बलांगीर जिलापाल और एसपी बौद्ध जिले में लघुचाप प्रभाव में लगाण वर्षा जारी रही जिले में 390 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होती प्रबल वर्षा कारण विभिन्न नदी में जलस्तर विपद संकेत उपर प्रवाहित अनेपटे खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथ तेलीबंध गां निकटस्थ मां पंथी दुर्गा मंदिर छक जातीय राजपथ उपर 2 फुट उच्चतार पा प्रवाहित होउंशुणी गुंदुलिया रास्तार चिमेई नाल 5 फुट उच्चतार बन्या पा प्रवाहित होउंशुणी गुंदुलिया यातायात ठप हो लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो फापुड़िया पोल भुशुड़ी जा फल 20 नंबर जातीय राजपथ सालपड़ा सरई रास्तार यातायात बंद हो रास्ता दे प्रतिदिन शह शह लोक यातायात करते रास्तार सरई निकटने फापुड़िया नाल पोलटी लगाण वर्षा जो भुशुड़ी पड़ी प्रतिवर्ष सामान्य वर्षा पोलटी भुशुड़ी पड़ता बेले प्रतिवर्ष यार मरामती निमन्ते पूर्त विभाग पक्षर लक्ष लक्ष टंका खर्च हो मयूरभंज जिले में लघुचाप प्रभाव में लगाण वर्षा कारण नदी जलस्तर वृद्धि पाई विशेषकर सोन डैम जलस्तर वृद्धि पाई गतकाली राति बिना सूचना डैम तीन गोटी गेट खोली बेले यार प्रभाव में तले अंचल को बन्याजल प्रवेश कर सोन डैम तले सालचुआ गांव में गोटे कुकुड़ा फार्म हाउस में पा पशा सहित अनेक लोकों घर पा पशि तेज बिना सूचन डैम गेट खोल को विरोध कर आज सुनई एसडीओ शुभ्रांशु द्विवेदी अटक रखिंट स्थानीय लोक जलेश्वर लघुचाप जनित लगाण वर्षा फुलुची जलका नदी बस्ता ब्लक मथानीठारे विपद संकेत 5.5 मीटर थिबा बेले सकाळ 9टा सुधा विपद संकेत उपरे बन्या जल प्रवाहित होउची जलस्तर 6.22 मीटर उपरे प्रवाहित होउची तळिया अंचल रे बन्या पानी प्रवेश आशंका रे लोके भयभीत अवस्था रे रहिछन्ति लघुचाप फल रे सुवर्णपुर जिले में प्रबल वर्षा जारी सहर रो 3टी पड़ा
गोकनेश्वर पड़ा प्रेस कॉलोनी पट्टाभाड़ी में पानी पशि विभिन्न अंचल में जलमग्न होगा घरे पानी पशि तो क्यों रास्ता पर आंठु आंठुए पा रही लगा वर्षा जो जनजीवन अस्तव्यस्त से बीरमहाराजपुर ब्लक बीरमहाराजपुर अमरपाली रास्तार घुंगी नाल उपर पांच फुट उच्चर पा प्रवाहित होंदुपल्ली गांव में वर्षा जल निष्कासन हो नपरी गांव भितर को पानी प्रवेश कर सुरवाली जोर से पानी जल प्रकल्प भांगी जाइए अन्यपटे बीरमहाराजपुर सब ट्रेजरी ऑफिस और सोनपुर तहसील ऑफिस को पानी पशिवार देखा मिली। कलाहांडी जिले में रागी रही लगाण वर्षा फल अस्तव्यस्त हो जनजीवन लगाण वर्षा जो भवानीपाटना जूनागढ़ जातीय राजपथ 26 इंजीनियरिंग कॉलेज निकट में गच्छ पड़ी रास्ता अवरोध हो घटनास्थल में ओड्राफ और वन विभाग पहुंची गच्छ कटा जारी रखिंट लघुचाप प्रभाव में लगाण वर्षा कारण बेहाल होती उदला अंचल विशेषकर कप्तिपदा उपखंड में नदी जलस्तर वृद्धि पाउछ उदला ब्लक भीमताली पंचायत जालदा और मदनपाल गांव में सोन नदी जलस्तर वृद्धि कारण पाखापाखि 30 घर भितर पानी पशिछि सेपटे सोन नदी में जलस्तर वृद्धि कारण कप्तिपदा उपदा जोगाजोग विच्छिन्न होती महिषासुरी पोल उपर 3 फुट उच्चर बना जल प्रवाहित होता बेले पोल भांगी जाइछि जहाँफल जोगाजोग विच्छिन्न होती बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप गभीर अवपात में परिणत होगापर उत्तर पश्चिम दिगक गति करुछि एहार सीधासलख प्रभाव पुरी जिला उपरे पड़ुथिबा अनुभव होउछि पुरी रे पवन बेग एबे 40-50 किलोमीटर रहितबा बेले समुद्र बेस जुआरिया रहिछि एबे भी पुरी रे लगाण वर्षा जारी रहिछि मलागुनी नईरे बन्याजल प्रवेश करि कोणास ब्लकर हळदीपदर निकट बंधरे प्राय 100 फुट घाई सृष्टि होइछि प्राय 10,000 अधिक लोक पानी घेर में जलबंदी हो रही गांव में अंटाए उच्चर बन्याजल लहड़ी मारुछि भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लक सरसदा पंचायत पीरीपुर गांव में 60 परिवार एवं बाह्य जगत विच्छिन्न अधिकांश घरे कांथ पड़ जाता बेले लोक ना असुविधार सम्मुखीन होती बालेश्वर में लघुचाप जनित लगाण वर्षा प्रभाव में सहर समस्त आखपाख तलिया अंचल अवस्था बेहाल हो पड़ी दुई दिन धरी लगाण वर्षा होगा फल कांग्रेस गली कॉलेज रोड चिटिया पोल अंचल दुकान फांडी बजारे तलिया अंचल दुकानगुड़िक पशिजाई जल निष्कासन न होवार दमकल पहुंची जल निष्कासन करपटे लगाण वर्षा फल अवस्था बेहाल सहित विभिन्न स्थान में कृत्रिम बन्या सृष्टि सहित जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी लघुचाप जनित वर्षा रे कंधमाल जिलार दारिंगबाड़ी अंचल दे जाइथिबा 59 नंबर जातीय राजपथ रे डाबुमाल नदी उपरे अस्थायी पोलटी संपूर्ण धोई हो जाइछि जाफल रे 59 नंबर जातीय राजपथ रे गाड़ी चलाचल संपूर्ण बाधाप्राप्त बालीगुड़ा ठारे दारिंगबाड़ी रु ब्रह्मपुर को गाड़ी चलाचल संपूर्ण बंद हेबा सह दारिंगबाड़ी रु भुवनेश्वर को मध्य गाड़ी चलाचल बंद रहिछि धोई हो जाइथिबा अस्थायी पोल काम को पूर्णी करबा पई ठीका कंपनी कार्य आरंभ करछन्ति हेले वर्षा लागि रहिथिबा कारण रु नदी रे प्रबल पानी आसुछि बलांगीर जिले में जोरदार वर्षा लागी रही सहरर तलिया अंचल वर्षा पानी पशि लोके नाहीं नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ती किंतु प्रथम थर पर हॉस्पिटल रोड रे थिबा बलांगीर सहरर इष्टदेवी मां पाटणेश्वरी मंदिर को पशिछि पानी मंदिर छातरे पानी गळुथिबा बेले तळपटे वर्षा पानी प्रवेश करुछि ड्रेन सहित मिसिथिबा अपरिष्कार पानी मंदिर भितर को प्रवेश करी अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होइछि पानी मंदिर भितर को पशि देवी प्रतिमूर्ति को अधा बुडाई देइछि अनेपटे लगाण वर्षा जो बलांगीर बेहाल बलांगीर जिलार विभिन्न रास्ता मध्य विच्छिन्न हो जाए अनेपटे बलांगीर भीम्भ भोई कॉलेज मेडिकल ठारे विभिन्न वार्ड में आंठुए पा रोगी ना असुविधार सम्मुखीन होती अनुगुल और तालचेर रोड स्टेशन मध्यरे ट्राक्रु खसिला मालवाही ट्रेन भोगबेरिणी निकटरे मालवाही ट्रेन रो इंजन समेत 5 रु अधिक बगी ट्राक खसी जाइथिबा सूचना मिली जहाँफल रूट रे यातायात बाधाप्राप्त होइछि फलरे 12टी ट्रेन को बातिल करा जाइथिबा रेलवे पक्षरु सूचना दिया जाइछि गत 3 दिन हेब राज्य में लगाण वर्षा लागि रहिथिबारु विभिन्न अंचल जलस्तर वृद्धि पाउछ आज वर्षा पा जो भोगबेरिणी निकट में ट्रेन लाइन दबी जाइथिला फलरे एक मालवाही ट्रेन टी लाइनच्युत होइछि मालवाही ट्रेन गहम बुझी होइथिबा सूचना तेबे दुर्घटन केही मृतात होइनथिबा जणापडिछि कटक फ्रेंड्स कॉलोनी रे अजणा मृतदेह ठाब होइछि आंठुए पानी रे भासुछि मृतदेह मृत व्यक्ति परिचय मिली पारिनथिबा बेले केउं कारण जोगु उक्त व्यक्ति मृत्यु होइछि ताहा स्पष्ट होइ पारि नाही घटनास्थल रे मंगलाबाग पुलिस पहुंची तदंत करुछि बुलेटिन रे समय होइछि एक ब्रेक रो ब्रेक परे भी खबर जारी रहिबो।
ब्रेक परे स्वागत। केन्द्र आदिवासी कल्याण एवं जलसंपद मंत्री विश्वेश्वर टुडुंग केन्दुझर गस्त। मान्यवर केन्द्रमंत्री घटगाँ पीठर माँ तारिणी को दर्शन कर फेरिबा परे आनंदपुर निर्वाचन मंडली बीजेपी पक्षर स्वागत संबर्धना कर अवसर में मान्यवर केन्द्रमंत्री निज दायित्व सठिक भाव संपादन करने केन्दुझर जिले में जलसेचन को त्वरावित करने पदक्षेप ने संबर्धना उत्सव में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य आलोक सेठी और बहु बीजेपी कर्मी जोगद। रास्ता खराब थिबारो जाई परिलेनि आंबुलांस खटियारे बुहाले गर्भवती महिला एभरी दृश्य देखिबा गुंची। नवरंगपुर जिला झरीगां ब्लॉक अंतर्गत रताखंडी गांव पंचायत रानी चचरा गांव में चैतन्य सांतांक स्त्री मोनिका सांतांक प्रसव जंत्रणा हेबारु आंबुलांस को फोन करथिले किंतु रास्ता खराब थिबारु आंबुलांस पहुंची पारनथला। निरुपाय परिवार 1.5 किलोमीटर खटियारे बोही नेबा परे आंबुलांस जोगे उमरकोट स्वास्थ्य केन्द्र को महिला को नै भर्ती करा जायछि। बंधमुंडा सी सेक्टर मुख्य बजारस्थित पंजाब न्यासनाल ब्यांक्रु गतकाली विलंबित राति डकायती होईछि। किछि दुर्बृत्त छात्र सिलिंग भांगी ब्यांक भितरकु पसिथिले टंका नेबाकु लकर भांगीथिले। मात्र लकर भांगिबारे असफल हेबारु ब्यांक्रु 5टी कंप्यूटर नै फेरार होईजाइछन्ति। आजि सकाळे बंधमुंडा पुलिस पहुंची तदंत चलाइछि। साइंटिफिक टीम संधानी कुकुरा पहुंची मध्य तदंत आरंभ करिछन्ति। ब्यांक्रु अन्य कोन चोरी होईछि तदंत परे जणापडिबो बोली कहाजाइछि। गंजाम जिला खलिकोट थाना अंतर्गत बाणिया पंचायतर बी नुआवागापल्ली गांव में एक अभावनीय घटना। गांव में गुणी करुवा सन्देह गांव जड़े वृद्ध युधिष्ठर को हत्या करी मारी माटी तले पोति घटनार समग्र अंचल आलोचना सृष्टि कर हत्याकांड खबर प्रकट होगा छानबीन करने खलिकोट पुलिस खलिकोट तहसिलदार और चारिजिया साइंटिफिक टीम घटनास्थल पहुंच तदंत आरंभ कर। कुरुमाकोट गांव पोखरी लक्ष्मण शव उद्धार घटन पर्दाफाश कला पुलिस। युवक को प्रथम एक लुहा रड जोगे हत्या कर गांव पोखरी में फोपाड़ी दी जाता। यह हत्याकांड कर दुईज अभियुक्त को पुलिस गिरफ्त कर दुई अभियुक्त हेले बाप शिवगौड़ और पुओ बलगौड़। अनैतिक प्रेम संपर्क को केन्द्रक युवक को यह बाप और पुओ हत्या कर पुलिस तदंतर जानवाक पाई हत्यार व्यवहार कर लुहा रड जबत हो। केन्द्रापड़ा राजनगर पेंठ जौदिया निकटर 12 फुट्र अजगर साप उद्धार कर जाल में छंदी हो रही बेले उद्धार कर जंगल छड़ा जा। आज भाद्रव मास शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि। यह पवित्र तिथि श्रीमंदिर पालित हो राधाष्टमी। यह अवसर में चक्रराज सुदर्शन चलती प्रतिमा नगर परिक्रमा करे। आज अपराह सुदर्शन महाप्रभु श्रीमंदिर बेढ़ा परिक्रमा करने बाहर को विमान बाहरी नगर परिक्रमा और पंती भोग खाइबा महाप्रभु भंडार रक्षक और हिसाब रक्षक भाव परिचित गौड़बाड़ साहि जमेश्वर महादेव मंदिर को विजे करे। राज्य में उपरतल कोरोना ग्राफ। राज्य में गत 24 घंटा मध्य 428 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट से 18 वर्ष वयस कम 55 जन नुआ रोगी चिन्हट से 252 जन क्वारंटाइन सेंटर और 176 जन स्थानीय संक्रमित चिन्हट। खोर्धार 179 कटक्रु 46 जाजपुर 21 जगतसिंहपुर 20 बालेश्वर और मयूरभंज जिलूर 18 जन लेखाएं पुरी 15 भद्रकु 10 संबलपुर 9 नयागढ़ 8 केन्द्रापड़ा और सुंदरगढ़ जिलूर 6 जन लेखाएं अनुगुण 5 देवगढ़ गंजाम नुआपड़ा और रायगढ़ जिलूर 4 जन लेखाएं बरगढ़ और ढेंकानाल जिलूर 3 जन लेखाएं आक्रांत चिन्हट होती। गजपति केन्दुझर और मलकानगिरी जिलूर जड़े लेखाएं और स्टेट पुल जदि देखा 42 जन आक्रांत चिन्हट या मिसाई राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 10,17,261 जन वृद्धि पाई। इतिम 6,290 जन आक्टिव केस रही बेले 10,2,810 जन सुस्थ हो घर को फेरी। राज्य में किछि दिन कोरोना आक्रांतों संख्या कमिता बेले मृत्यु ग्राफ मध्य कमुछि। गत 24 घंटे आउ 4 जन कोरोना आक्रांतों मृत्यु होइछि। एहाकु मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 8,108 को वृद्धि पाइछि। खोर्धा जिलूर 2 जन एवं कटक पुरी जिलूर जड़े लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होइछि। एनि राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्ष सूचना दी जाइछि। समय शेष होइछि। बुलेटिन को एठी रखुछु। नमस्कार।